Welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, staying safe. And if you are seeing my face for the first time, then do consider subscribing. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो आज है गाइज डे 3 ऑफ नवरात्रि. छोटू फिर तो गाइज आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि. बेसिकली आई एम डूइंग 9 days 9 vlogs चैलेंज. 9 नवरात्रों के दिन पे 9 के 9 दिन मैं व्लॉग कर रही हूँ. सो दो पार्ट इसके पहले चले गए हैं, day 1 and day 2. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है ऑलरेडी. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लो, देन आप ये देख लेना या फिर ये देख के वो देख लेना ज़रूर. एंड अगर आपको पसंद आ रही हैं वो वीडियोस या ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो गाइस. सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप देख रहे हो तो. इतना बड़बड़ाने के बाद चलो चलते हैं, करते हैं आज का डे स्टार्ट. पूजा वगैरह कर ली है मैंने, क्लिप मैं इसके बाद ऐड कर दूंगी आपके लिए. एंड देखते हैं कि क्या खाते हैं आगे चल के. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. यही मोमेंट कैप्चर करना तो ओके यू गाइज, तो मैंने ये एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से एंड मेरे को जस्ट रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ. तो इसमें ये पैंट्स है एंड ऊपर का कुर्ता है, दुपट्टा इसमें भी नहीं है, मेरे को दुपट्टा चाहिए भी नहीं गाइज. तो गाइज़ ये बेसिकली मेरा फर्स्ट मील है. मील तो क्या, मैं सिर्फ ये फैंटा पी रही हूँ. तो मैं माजा वगैरह नहीं पीती हूँ. डू लेट मी नो कि आप माजा पीते हो या फैंटा या कुछ और फास्ट में. मतलब गाइस पता है 2 दिन से भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, ऐसा मन भी नहीं कर रहा था कि कुछ खा ले. और आज ना मम्मी दिए घर पे और मेरा मन कर रहा है और भूख लग रही है. मन तो छोड़ो, मन तो चलो बंदा कंट्रोल कर ले, मुझे भूख लग रही है बहुत नेक्स्ट लेवल वाली. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कुछ ऑर्डर करके खा लूँ, मतलब फास्ट वाला ही खा लूँ. बट लेट्स सी, अगर मुझसे कंट्रोल होता है तो मैं कर लूँगी या फिर कुछ और खा लेती हूँ, देखती हूँ. बाकी आज मैंने आपको अपने बच्चे अच्छे नहीं मिलवाया क्या? अपने बच्चे अच्छे नहीं मिलवाया क्या आपने? आप अपना टीका तो दिखा दो ना, वो आपने टीका लगवाया है. आहा आहा, बुआ का बच्चा. आहा निन्नी आ रही है निन्नी. ये मेरे छाछे पारा बच्चा है, ये मेरे छाछे छाछे अच्छी सबसे सुंदर सबसे अच्छा बच्चा है, बुबरू है मेरी. आहा डिग डिग डिग, अच्छा पहन हमेशा निन्नी क्यों करते लाते हो आप, हमेशा निन्नी क्यों करते लाते हो? दे डू नो बेटी, उसका खाना क्यों खा रहे हो? नो वापस आओ, कम 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 कम. आहा जी कौन आ गया जी, कौन वापस आ गया जी, कौन वापस आ गया? छोटी छोटी आ गई. पता है मेरी इतनी माड़ी किस्मत है कि मैं अभी ऑनलाइन चेक कर रही थी कि मैं क्या खाऊं. कोई पिछली बार मैंने कुछ थाली खाई थी कहीं से ऑर्डर करके, मैं वो देख रही थी, वो रेस्टोरेंट अभी डिलीवरी नहीं कर रहा. और पता कितने बज रहे हैं, डेढ़ नहीं 1:15 हो रहा है. समझ ही नहीं आ रहा मेरे को कुछ.
पता है गाइस, बहुत देर जोमेटो पे अपना समय बिताने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैंने खोला सागर रत्न, मतलब सागर रत्न के उस पे गई मैं, उसमें मैंने देखा वो इडली तक दे रहे हैं, व्रत वाली इडली, व्रत वाला डोसा, मतलब जो सामक के चावल वगैरह इन सब आटों से बना हुआ है, फुल फ्लेज थाली है जिसके अंदर खीर है, ये सब चीज़ें, तो मैं सोच रही हूँ वहीं से ऑर्डर कर लूँ। और एक ना, मतलब मेरे को थाली खाने का मन कर रहा है, और एक उसमें कुछ दिखा रहा है इडली चाट, उस पर जैसे हम टिक्की खाते हैं या भल्ले पापड़ी खाते हैं ना, उस टाइप से वो इडली चाट बनी हुई, तो मेरा वो दोनों खाने का मन कर रहा है। बट मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन सी खाऊं, क्योंकि अगर मैंने अभी इडली खा ली तो वो थाली वेस्ट हो जाएगी, और मैंने अगर वो थाली खा ली, मतलब अगर मैं दोनों चीज़ मंगाऊँ, अगर वो थाली पहले खा ली तो वो इडली गिल गिली हो जाएगी, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स सी, चेक कर रही हूँ अभी मैं बहुत देर से, मेरे को कम से कम भी पता कितनी देर हो गई, 20 मिनट्स हो गए मैं जोमेटो पे ही हूँ, वही चेक कर जा रही हूँ, और देख खाना देख देख के मेरे को और भूख लगी जा रही है। फाइनली गाइज, मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैंने नवरात्रे डीलक्स थाली ऑर्डर करी है सागर रत्न से। लेट्स सी कि क्या आता है, कैसी आती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इवन खीर, पूरी, चावल और 2 या 3 सब्जियाँ, रायता है और भी शायद कुछ है। तो आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, और वो सारा जोमेटो स्क्रॉल करते करते और चीज़ें देख देख के और ज़्यादा भूख लग गई। फाइनली मेरा खाना आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे खाने के लिए, और भूखी भी, बहुत भूख लगी है मेरे को। गाइस, तो मेरा खाना आ गया है, लेट्स सी इसमें क्या क्या आया है। पैसे तो उन्होंने गाइस बहुत ही सारे ले लिए, अगर ये उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना तो मैंने ज़िंदगी आराम कर देनी है इनकी। वेट, अभी खोल के आपको दिखाती हूँ फिर, एक मिनट। तो गाइस, ये है वो थाली, ये है सामक के चावल, इसके अंदर आलू है, ये हाँ आलू ही है, कुट्टू की पूरी, आलू नहीं है, पनीर है, पनीर, ये पनीर है, एंड ये शायद है शाही पनीर, जिसमें पनीर नहीं दिख रहा है। ये बीच वाली है आलू की सब्ज़ी, ये नहीं पता भाई क्या है, पता नहीं क्या है ये, इनका ही कुछ होगा अकड़म बकड़म। आई थिंक ये है गाइस अरबी, हाँ गाइस मसाला अरबी है ये, साबुदाना खीर, रायता, इसमें आएगा इस पापड़, अभी खोल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ गाइस, तो उस पैकेट के अंदर ये एक सिंगल एक पापड़ निकला, 2 तो दे देते, तो इतने सस्ते आते हैं। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं खाए ना ये साबुदाना के पापड़, तो आपने कुछ नहीं खाए, बहुत ही यम लगते हैं, मतलब जब आपका फास्ट ना हो ना तब भी आप इसको खा सकते हो, इतना यम होता है। बट मैं आपको इस मील का प्राइस बता देती हूँ, ये मुझे विद डिलीवरी टैक्स एंड ऑल द टैक्सेस ये मुझे 500 रुपीज़ की पड़ी है, 480 रुपीज़ की। अब लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है, खा के एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैं खाने वाली पूरी, जो कि हद सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड मैं खाने वाली हूँ अरवी। तो मैंने हल्की सी टेस्ट कर ली, अरवी बहुत ही यम है, मसाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे बाहर से हम कभी नवरात्रि का खाना खाते हैं ना वो फीका होता है। शाही पनीर अपने बारे में एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे को शाही पनीर नहीं पसंद, बहुत लोग होते हैं इतने खुशी से खाते, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मीठा लगता है वो। ये आलू की सब्जी एग्जैक्ट भंडारे वाली सब्जी है, रायता तो क्या ही खा के देख ही लेती। वैसे रायते में गाइस है खीरा डाल रखा है इन्होंने, मज़ेदार, एकदम खट्टा, मज़ा आ गया। अब खीर देख लेते हैं, खीर ऐसी कुछ दिखती है, मैं पलटूंगी तो गिर जाएगी। गाइस टेस्ट अच्छा है बहुत, बट साबुदाने की वजह से घिल घिली लग रही है, टेस्ट काफ़ी सही है, मुझे टेस्ट अच्छा लगा, सब चीज़ बहुत सही है। ओ, मैंने राइस तो खाया ही नहीं। मेरी इसमें से जो पर्सनल फेवरेट है, फर्स्ट नंबर पे है ये मसाला अरवी, देन उसके बाद है आलू की सब्ज़ी, कुट्टू की पूरी, चावल, खीर, रायता, एंड देन वो शाही पनीर, बिकॉज मेरे को शाही पनीर वैसे भी नहीं पसंद। बहुत ही अम्मा, बहुत जेन्युइन है, बहुत अम्मा। मैं एक और जगह से मंगाती हूँ, जैसे मैंने
अभी तक तो फर्स्ट टाइम मंगाई है, थर्ड ही नवरात्र हुआ है, बट और पहले नवरात्र जो मैंने इससे पहले आए थे नवरात्र उनमें रखे थे, तो मैंने किसी और जगह से मंगाया था, वो इतनी यम नहीं थी। और ये वो शायद इससे 100 रुपीज़ कम की है या फिर 450 की है, ये 480 की पड़ी है, ऐसी कुछ है, बट वो इतनी डिलीशियस नहीं है जितनी डिलीशियस ये, बहुत यम है गाइस, बहुत। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इसी इस लेवल का, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी फास्ट का खाया बाहर से मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, बहुत अमेजिंग है। तो गाइस अभी हो रहे 5:30 एंड मैं पीने वाली हूँ फ्रूटी। आज पता नहीं यार बहुत ही ज़्यादा भूख लगी जा रही है, वो खाना खाने के बाद अभी भी भूख लग रही है, तो अभी ये पीऊँगी। ओके गाइस तो अब बज रहे हैं 7 और ये मैं फिर से फैंटा पी रही हूँ, क्योंकि भाई इतनी सारी ले आई हूँ और मैं देखती हूँ तो फिर मेरा मन करता है तो मैं पी लेती हूँ, मन नहीं रोकती अपना, इसीलिए मैं मोटी हूँ। और मैं ये यहाँ पे बैठ के पी रही थी और मेरा ध्यान गया कि ये हर वीडियो में आ जाता है ये रैकेट, मैं चाहे कितना भी हाइड करूँ कुछ भी करूँ ये यहीं पर रखा होता है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। तो ये अभी मैं फैंटा ख़त्म कर रही हूँ। ये है मेरा आज का डिनर। ये किस चीज़ की रोटियाँ? ये सामक की और उसकी और दही उसकी ये रोटी है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है ऐसे। तो ये पनीर की भुजी है, ये धनिया पुदीने की चटनी है और ये तो दही है, ये मीठा है, ये खा लेते हैं व्रत में, और ये सैलेड है। वैसे मैंने दोपहर में ही डिनर कर लिया था इतना करता, पर अब ये बना रहे थे तो मैंने सोचा ये भी खा ही लो, देख लो भी बन ही रहा है। गाइस खाना मैंने खा लिया और मैं शूट करना भूल गई, दिखाना भूल गई, पर मैंने आपको प्लेट दिखा दी है इससे पहले। और पता नहीं यार मेरे साथ ना हमेशा होता है कि मेरे को थर्ड डे पे ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भूख लगती है, 2 दिन में आपने देखा होगा मैंने इतना कुछ भी नहीं खाया और आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ओके तो आज के लिए इतना ही था, अगर कुछ और होता है तो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी इसके बाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, ऑल्सो अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सी यू गाइस टुमारो विद डे 4। बाय।